हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटेन। एडुटेन पे आपका स्वागत है। तो आज बहुत दिन बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दिमाग जो है हमारा, वो कैसे काम करता है, कैसे हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, कब हमारा बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, क्यों बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। मान लीजिए कोई शराब पी लेता है, चाहे कोई नशीला चीज़ खा लेता है, तो काहे उसका बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो आइए हम समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम बताएंगे कि हमारा दिमाग किस तरह काम करता है, क्या क्या हमारे दिमाग में फंक्शन होता है, कौन किस चीज़ को कंट्रोल करता है। इसको देखने के लिए, जानने के लिए आप पूरा वीडियो को लास्ट तक देखें। अब देखिए, हमारे दिमाग और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, जो हमारे पीठ में जो पीछे होता है, वो जो स्पाइनल कॉर्ड होता है, दोनों मिल करके नर्वस सिस्टम बनाता है। कैसे बनाता है? नर्वस सिस्टम का निर्माण करता है। ठीक है, दिमाग के अध्ययन को न्यूरोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम के अध्ययन को। अब देखिए, जो हम लोग नर्वस सिस्टम हम लोग देखते हैं, जिसमें हड्डी होता है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम हम लोग देखते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, उसका हम लोग हड्डी के अंदर नर्वस सिस्टम, जो स्पाइनल कॉर्ड है वो कहाँ रहता है? हड्डी के अंदर में रहता है। बाहर से क्या होता है, उसको हड्डी चारों तरफ से क्या है, घेरा हुआ है। ओरिजिनल में जो नर्वस सिस्टम होता है वो हमको आपको दिखाते हैं, ये रहा दिमाग, ये ऊपर वाला क्या है, दिमाग है, और इसमें से ये जो निकला हुआ है रस्सी की तरह, जिसमें से छोटा 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 ब्रांच निकला हुआ है, ये नर्वस सिस्टम है। और ये क्या होता है ना, कि एक मोटी सी हड्डी जो होती है, वर्टिब्रल कॉलम, जो हमारे पीठ में रहती है, उसके अंदर ही रहता है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गया आप लोग को। और देखिए, हम दिमाग के बारे में बात करते हैं। कोई भी आदमी का जितना किलो वजन होगा, उसका 2% का होगा उसका दिमाग होगा। मान लीजिए कोई 70 किलो का है, तो उसका 2% का होगा उसका दिमाग का वजन होगा। मर्दों में दिमाग का एवरेज वजन 1450 ग्राम होता है, 1450 ग्राम होता है, औरतों में 1350 ग्राम होता है। ऐसा औरत सब के पास, लड़की सब के पास दिमाग कम ही होता है, भारों में कम है। चलिए, इसे तो मजाक के बात हुआ। छोटे बच्चों में 300 से 400 ग्राम का दिमाग होता है। ठीक है, और देखिए, जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, ये एक अलग टाइप का कोशिका होता है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। ठीक है, क्या कहते हैं? तंत्रिका कोशिका, और इसको न्यूरॉन्स भी कहते हैं। हमारा पूरा बॉडी एक ऐसा, जो जिस सेल से बना है, उस सेल क्या है, अगर हम कट फट जाएगा तो फिर से क्या होगा, नया सेल वहाँ पर आ जाएगा। समझ रहे हैं? मतलब कि उसमें क्या होगा, विभाजन हो जाएगा, एक सेल से क्या होगा, दूसरा दो सेल बन जाएगा, या दो सेल से चार को बन जाएगा। लेकिन जो तंत्रिका कोशिका होती है, ये हमेशा क्या होगा, कभी भी इसमें विभाजन नहीं होता है। जब हम पैदा हुए थे तो जितना बड़ा तंत्रिका कोशिका था, जितना तंत्रिका कोशिका था उतना ही अभी भी है, इसमें कोई विभाजन नहीं होता है। वहीं हमारे जो बॉडी का और सब जो जगह है, चमड़ा हुआ, मांस हुआ, ये सब जो सेल से बना हुआ, उसमें क्या होता है, विभाजन होता है। इसमें समझ में आ गया? अब देखिए, जो हमारा दिमाग होता है, ये वो क्रेनियम नाम का, जो हम लोग का खोपड़िया होता है, ये खोपड़िया को हम लोग कहते हैं क्रेनियम नाम का हड्डी होता है, इसी के अंदर का होता है हमारा दिमाग होता है। और ये खोपड़िया के नीचे झिल्ली होता है 3 परत का, जिसमें वो होता है मेनिनजेज। कौन झिल्ली होता है? मेनिनजेज। अभी झिल्लिया में जब कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, तो उसी बीमारी को हम लोग कथी कहते हैं मेनिनजाइटिस हो गया, मेनिनजाइटिस हो गया, कथी हो गया मेनिनजाइटिस हो गया। ठीक है, कथी हो गया मेनिनजाइटिस। आप लोग गांव में सुन रहे, अपने अगल बगल में लोगों को मेनिनजाइटिस हो जाता है। तो उसमें होता कहती है कि जो दिमाग के ऊपर जो झिल्ली रहता है, उसमें क्या होता है, कोई डिफेक्ट आ जाता है। मान लीजिए उसमें कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, चाहे कुछ हो गया। ठीक है, अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क, दिमाग की कोशिका को हम लोग ब्रेन सेल कहते हैं, इसी को न्यूरॉन कहते हैं। इस शरीर का सबसे लंबा कोशिका भी है। क्या? शरीर का सबसे लंबा कोशिका। इसमें विभाजन बिल्कुल भी नहीं होता, बहुत ही मतलब कम होता है, होता है लेकिन बहुत कम होता है। इसे देखिएगा कि दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम होता है आदमी, उसका ठीक जल्दी नहीं हो पाता है। वहीं कहीं इधर उधर कट फट गया तो क्या होगा, फिर वहाँ पर नया चमड़ा आ जाता है, सब आ जाता है। और देखिए, दिमाग का 3 भाग होता है, दिमाग का 3 भाग होता है मेनली। एक होता है फॉर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, अग्र का माने का हुआ आगे का। उसके बाद एक होता है मिड ब्रेन, मिड का मतलब हुआ मध्य का, माने बीच वाला। और उसके बाद होता है हिंड ब्रेन, उसके बाद होता है हिंड ब्रेन, माने सबसे पछवा का, जो पीछा का होता है। ठीक है,
अब देखिए अग्र मस्तिष्क का भी बहुत सारा प्रकार है। अग्र मस्तिष्क का एगो प्रकार है जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम, एगो है थैलेमस, एगो है हाइपोथैलेमस। सबसे पहले हम लोग इसी को पढ़ेंगे, उसके बाद है मिड ब्रेन। अब देखिए मिड ब्रेन में भी दो गो टाइप होता है, इसमें नहीं दिया गया है, ठीक है। मिड ब्रेन में भी दो गो टाइप होता है, एक कारपोरा होता है, एक सेरिब्रल पेंडिकल होता है। उसके बाद है पश्चिम मस्तिष्क, माने में सबसे पीछे का, इसमें होता है एगो पेंस होता है, वो मेडुला ओब्लॉन्गाटा होता है, वो सेरिबेलम होता है। और देखिए सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का, सेरिबेलम पीछे वाले मास दिमाग में रहते हैं। अब देखिए सबसे पहले थैलेमस को पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या करता है ना, जो भी हमारा नाक है, जो नाक से हम लोग कथी करते हैं, कौन चीज़ का गंध लेते हैं, सूंघते हैं, स्किन से कथी होता है किसी चीज़ को ठंडी गर्मी सब बताता है, जीभ से क्या होता है टेस्ट वेस्ट बताता है। तो थैलेमस क्या करता है ना कि बाहर में क्या हो रहा है इसका सूचना किसको बताता है, दिमाग में ये बाहर में क्या हो रहा है इसको ही ऑब्जर्व करता है। मुझे बाहर में ठंडा लग रहा है तो उसको कौन ऑब्जर्व करेगा, थैलेमस ऑब्जर्व करेगा। मैंने बाहर में एकदम अब गए सवेरे उठे कि कचरा फेंकल है तो कभी भकाक दे महकेगा तो कोई कैसे पता चलेगा, थैलेमस हमारा काम करेगा तब बात हमको पता चलेगा। और जिसका थैलेमस काम नहीं करेगा उसको कचरा उचरा कहीं रख रहेगा तो उसको कोनो प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। मैंने बाहरी वातावरण में क्या हो रहा है उसके बारे में हम लोग को क्या होता है बताता है, ठीक है। अब होता है प्रमस्तिष्क जिसको हम कहते हैं सेरिब्रम। अब इस सेरिब्रम जो है इसको प्रमस्तिष्क कहते हैं। दिमाग जो है पूरा दिमाग तीन भाग में बटा है, अब तीनों भाग में का ये सबसे बड़का पार्ट है, ये पूरा दिमाग का 66% है, ठीक है। इसका सबसे मेन काम है, मतलब नहीं होता है कि जो भी बुद्धिमान लोग होते हैं, बुद्धिमत्ता, चिंता करना, इच्छा शक्ति, ये सब प्रकार करते हैं, सेरिब्रम नियंत्रण करता है। जिसका सेरिब्रम तगड़ा हुआ वो आदमी का होगा बहुत ही तेज होगा, ठीक है। जिसका सेरिब्रम तगड़ा होगा वो आदमी का होगा बहुत ही तेज होगा, उसको बहुत चीज़ याद रहेगा। आज का सेरिब्रम तगड़ा नहीं होगा तो भोकाक होगा, भोका होगा। अब देखिए अब है इसका काम क्या क्या होता है, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ होता है जो सेरिब्रम है इसका काम क्या क्या है, इसमें तीन चार चीज़ होता है सेरिब्रम में। फ्रंटल लोब होता है, पेरेंटल लोब होता है, टेम्पोरल लोब होता है, ओसिपिटल लोब होता है। अब जो फ्रंटल लोब है देखिए यहाँ, ये जो इस साइड वाला है ये पियर का, ये फ्रंटल लोब है। ये क्या करता है कि मेमोरी इन्फॉर्मेशन रखता है, इसी से हम लोग डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए कि हमको कहीं जाना है तो हम यही से सोचते हैं कि हम जाएं कि नहीं जाएं। कोई नया चीज़ करना है तो यही से सोचते हैं, कौन चीज़ पे पूरा दिमाग लगाना है, कौन चीज़ दिमाग में लाना है तो वो यही से हम लोग करते हैं। तो सब फ्रंटल लोब से होता है। अब इसी में वो होता है पेरेंटल लोब, तो इसे रीजनिंग वीजनिंग हम लोग बनाते हैं तो इसके यूज करते हैं, डायरेक्शन, डिस्टेंस, स्पीड, माने कोनो भाषा जैसे हम लोग हिंदी बोलते हैं, भोजपुरी बोलते हैं, अंग्रेजी बोलते हैं, तो इसका भी स्टोरेज कहाँ होता है पेरेंटल लोब में होता है। उसके बाद होता है टेम्पोरल लोब, टेम्पोरल लोब में हम लोग सपना अपना देखते हैं, सोते समय कोनो चीज़ सुनते हैं, सपना अपना देखते हैं तो क्या होता है कोनो चीज़ हमको सुनाई भी देता है तो टेम्पोरल लोब में होता है। उसके बाद ओसिपिटल लोब, ये विजन विजन के बारे में, मान लीजिए हम आँख से जो चीज़ देखते हैं उसके बारे में बताता है, रंग का समझ। जिसका ओसिपिटल लोब में प्रॉब्लम होगा उसको क्या होगा, रंग का समझ नहीं होगा। अब इसके बाद होता है हाइपोथैलेमस, इसको हम लोग एक और चीज़ के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको हम लोग हाइपोथैलेमस जो होता है ये पूरा बॉडी के, हमारे बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस। अब इससे क्या होता है, अब हाइपोथैलेमस देखिए पूरा बॉडी के हार्मोन को नहीं कंट्रोल, पूरा बॉडी के हार्मोन को कौन कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि, वह जब चाहेगा तब बॉडी में हार्मोन निकले। हार्मोन समझते हैं, जैसे मान लीजिए कि थायराइड सुने होंगे आप लोग, तो थायराइड कहते होता है एगो थायराइड ग्रंथि से निकलता है, वो कहते हैं वो हार्मोन है, तो उस पर केकर अधिकार है, केकर वो बात मानता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का बात मानता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड को कम कंट्रोल कौन करता है, हाइपोथैलेमस, समझ गए। मान लीजिए कौन ग्लैंड है जहाँ हार्मोन निकलता है, जैसे थायराइड सुनेंगे, औरत समय बहुत ही थायराइड होते देखते होंगे, जन औरत का थायराइड होता है वो मोटा मोटा के डेहरी जैसा हो जाएगी, ये कहो क्विंटल की हो जाएगी, जन औरत में ज़्यादा थायराइड निकलेगा, ठीक है, दिन भोंगाले रहेगी, थकाले रहेगी, तो
वो जो थायराइड निकलता है, वो थायराइड कैसे निकलता है, उसको कंट्रोल कौन करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस। ठीक है, इससे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल होता है हमारे शरीर का, उसके बाद में तापमान भी कंट्रोल करता है, भूखो हमको इसी के कारण लगता है, किसी पर हमको गुस्सा भी इसी के कारण आता है, किसी से हमको प्यार भी इसी के कारण आता है। प्यार से शुरू होता है हाइपोथैलेमस के कारण, लोग दिल को बदनाम करते रहते हैं। बताइए कर कौन और हो रहा है, लोग बदनाम कौन और हो रहा है। अरे दिल का तो काम है धड़कना, वो बेचारा तो ब्लड पंपिंग सेट है, पंप कर रहा है, खींच रहा है, पंप कर रहा है, खींच रहा है। प्यार कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। घिरने कहाँ से होता है, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, नींद को भी ये कंट्रोल करता है, और शरीर के अंदर के तापमान को भी कंट्रोल करता है। अगर मान लीजिए ज़्यादा तापमान हो जाएगा तो क्या करने का, पसीना निकालने का आदेश देगा कि इसको, जो हमारे स्वेट्स ग्लैंड है, जो माने पसीना निकालने वाले ग्लैंड है, उनको पसीना निकालने का आदेश देगा। अब देखिए बहुत सारा लोग का होता है इमोशनल होता है बहुत ज़्यादा, वो इमोशनों को कंट्रोल कौन करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग ये पढ़ लिए फॉर्ब ने, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हिप्पोकैम्पस। इसको हम लोग कथी कहते हैं, ये हार्ड डिस्क है, ये जो मिड ब्रेन होता है, ठीक है, इसी के बीच में रहता है। ये जो रेड रेड वाला आपको दिख रहा है हिप्पोकैम्पस, इस टाइप से रहता है। ठीक है, ये दिख रहा है लाल का लड़का, ये वाला, इसको हिप्पोकैम्पस का, अभी हिप्पोकैम्पस का है इसका नाम पड़ा, ये समुद्री घोड़े जैसा आकार का होता था, समुद्री घोड़े को अभी हम लोग हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम हिप्पो रखा गया है। ठीक है, अब इसी में क्या होता है कि हम लोग का सारा चीज़ का होता है जाके स्टोर होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम लोग को कोई चीज़ याद है, कोई बात याद है, मान लीजिए कि हम किसी को देखे हैं, तो हिप्पोकैम्पस में क्या होगा, वो जाके स्टोर हो जाएगा। और जब हम ओके दोबारा देखेंगे तो हमारा दिमाग वह कहेगा, अरे रुक रुक रुक, ये आदमी को हम पहले कहीं देखें, अच्छा अच्छा ये फलनवा है, अच्छा अच्छा ये वो बउआ है। तो इस तरह का होता है कि हार्ड डिस्क है, क्योंकि कंप्यूटर मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, वही हार्ड डिस्क का काम करता है। इसमें सपना भी स्टोर होता है, बहुत लोग को देखिएगा कि रात को सपना देखेगा, भोरे उठेगा तो जाओ कुछ भी याद ही नहीं, और बहुत लोग को याद रहता है। अब देखें मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का मेन काम होता है जो भी हम लोग का आँख है, कान है, इस पर नियंत्रण रखना, इस सबसे छोट भाग होता है। देखिए ये जो ब्लू वाला दिख रहा है, ये मिड ब्रेन है। अब इसका भी तीन गो भाग है, ठीक है, दो गो भाग है, तीन गो कह रहे हैं सॉरी, दो गो भाग है। एक कारपोरा होता है, ये क्या करता है, देखने का और सुनने का काम को कंट्रोल करता है कारपोरा। और एक होता है सेरिब्रल पेंडिकल, ये क्या करता है कि जो ब्रेन है हमारा दिमाग है, वो स्पाइनल कॉर्ड आपको दिखाएं जो हमारे पीठ पे रहता है, पीठ में जो पीछे आप लोग देखिएगा वो हड्डी होगा मोटा सा, वो हड्डिया के अंदर स्पाइनल कॉर्ड रहता है, उसको क्या करता है कि दिमाग को और उसको एक साथ जोड़ता है। ये समझ गए मिड ब्रेन, मिड ब्रेन का कोनो काम नहीं, खाली कान का आँख का इसको कंट्रोल है। और देखिए अब होता है पीछे का पश्चिम मस्तिष्क, कहते होता है पीछे का, इसमें होता है सबसे पहले मेडुला ओब्लॉन्गाटा। ये ऐसा काम को नियंत्रित करता है जिसपे हम चाह के भी नियंत्रण नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे मान लीजिए सांस ले रहे हैं, तो सांस को हम नियंत्रित कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक हम ले रहे हैं सांस, ले छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ले रहे हैं छोड़ रहे हैं। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, मेडुला ओब्लॉन्गाटा, मैंने जौन काम हम अपने इच्छा से नहीं करें उसको ही कंट्रोल करते। जैसे ब्लड सर्कुलेशन है, तो ब्लड सर्कुलेशन पर हमारा कौन कंट्रोल है, क्योंकि मैं खुदे ब्लड आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। उसका डाइजेशन है, खाना खाएं वो अपने पच जाएगा, ऐसा थोड़ा कि खाना को रोकेंगे, रुक 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 आधा घंटा बाद पचना, सुन कुछ हो नहीं है। एक्सक्रीशन है, पेशाब लगेगा, बाथरूम लगेगा, ये सब पे इसका कंट्रोल है। हार्ट बीट, ऐसा थोड़ा कि हार्ट को रोक देंगे कि सुन सुन तो 10 मिनट रुक जाओ, 10 मिनट बाद धड़कना, ऐसा कुछ नहीं होता है। लार का बनना, हमारे मुँह में जो लार बनता है उसका इस सब पे, उसका में इसको सहायक क्रिया भी है, जैसे उबासी लेना है, मान लीजिए जमाई लेता
नींद आएगा तो उबासी लगेगा, लोग छींकेगा, खांसी आएगा, खराटा, हिचकी, आँखों का झपकना, ये सब कौन ये कंट्रोल करता है? ठीक है, कौन कंट्रोल करता है? मेडुला ओब्लॉन्गाटा, ये पीछे के वाला भाग होता है। अब देखिए इसमें एक और चीज़ होती है, कुछ छोटा सा होता है पॉन्स, पता होता है छोटा सा पॉन्स होता है। ठीक है, ये पॉन्स क्या करता है कि हमारा जो निंद्रा चक्र, मान लीजिए कि हम आज रात में सोए तो फिर कल सवेरे उठेंगे तो फिर भी हम रात में सोएंगे, ठीक है, वो साइकिल है, इसको ही कंट्रोल करता है। उसके बाद में ये जो रिस्पिरेटरी रिदम है, मान लीजिए कि एक बार सांस लिए फिर छोड़े, फिर लिए फिर छोड़े, इसको ही कंट्रोल करता है। इसी के माध्यम से जो भी संकेत है जो शरीर का, वो मस्तिष्क तक पहुँचता है। शरीर और मस्तिष्क के बीच में क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट बैठाता है, माने शरीर और मस्तिष्क को बैलेंस करके रखता है। अब इसके बाद आता है सेरिब्रम, सेरिबेलम। अब इकरे के हम लोग कहते हैं, कहते हैं ये ब्रेन का सबसे दूसरा छोटा भाग है, बड़ा भाग है, सॉरी छोटा भाग करें सेरिब्रम, उसके का बड़ा भाग कहते हैं सेरिबेलम, एकरे को कहते हैं छोटा दिमाग। पहले फिल्म उलिम में देखते होंगे कि लोग पीछा जहाँ हम लोग का दिमाग होता है पीठ के पीछे, वहाँ पे लोग मारता होता है, तो कोई फिल्म में एक डायलॉग भी है कि ये यहाँ नहीं मारने का, यहाँ छोटा दिमाग होता है, तो वही छोटा दिमाग यहाँ पर होता है। इसके लगे ये प्रॉब्लम है ना कि इसके ऊपर कोनो हड्डी उड्डी का प्रोटेक्शन नहीं रहता है, इसको ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। अब देखिए जब आदमी खूब दारू पी ले, खूब शराब पी ले, खूब ताड़ी पी ले, तो उसको उस टाइम का होता है कि अनुमस्तिष्क सेरिबेलम पे क्या होता है कि प्रॉब्लम होता है। वो साइड इफेक्ट कहाँ होता है? दिमाग में कहीं जाके साइड इफेक्ट नहीं होता है, वो कहाँ इफेक्ट करता है? सेरिबेलम पर। ठीक है, और देखिएगा कि जो सेरिबेलम होता है ये आदमी के शरीर का बैलेंस को कंट्रोल करता है। देखते हो गए जो आदमी दारू वारू पी लेता है अपना बॉडी को बैलेंस नहीं रख पाता, रहेगा चलते चलते रहेगा कहीं उठा जाएगा, कहीं नाली में गिर जाएगा, तो उस जब नाली वाली में गिरेगा तो बॉडी को उतना कुछ पता ही नहीं है, बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, उस तो क्या करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बोलने को भी कंट्रोल करता है, जैसे हम क्या बोल रहे हैं तो इसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो देखते हुए कि जो आदमी दारू पी लेता है उसको बोलने पे कोनो कंट्रोल नहीं, कुछो उड़ जुलूल कुछो बोल रहा है, गाली उली दे रहा है एकदम, ठीक है साला बहन चुन कर ले, क्या बोला अपना बोलने पे क्या कंट्रोल ही नहीं है, तो क्या करेगा? तब जब हम दारू वारू पीते हैं, अल्कोहल पीते हैं, तब कहाँ इफेक्ट करता है? सेरिबेलम पे इफेक्ट करता है। सेरिबेलम ही क्या करता है, हम लोग का शरीर का बैलेंस बना के रखता है, जब बैलेंस ही बना के रखता है, बोलने का भी ये बैलेंस करता है, तो ना हम शरीर को बैलेंस रख पाएंगे ना बोलेंगे सही से। उसके बाद मस्क्यूलर कंट्रैक्शन को भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता है, आप देखते होंगे कि जो लोग दारू वारू पी लेता है ना सही से बोल पाता है, ना खड़ा हो पाता है, चलते चलते रहेगा ढल जाएगा। उसके बाद जो छोटे बच्चे होते हैं उनका भी देखिएगा शरीर का संतुलन सही से नहीं हो, क्या कि उनके सेरिबेलम क्या होता है सही से डेवलप नहीं हो पाता, ऐसा नहीं कि वो दारू पी लेते हैं, उनके सेरिबेलम क्या होता है डेवलप नहीं हुआ रहता है, इसलिए क्या होता है कि वो बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं तो दारू शराब पीने के बाद उनके सेरिबेलम पे इफेक्ट पड़ता है, उसके बाद क्या होगा कि उनका बोलने का ढंग ख़त्म हो जाएगा, कुछ होगा कुछ हो बोलते रहेंगे उठपटांग, उसके बाद में जब चलेंगे तो उनसे खड़ा नहीं हो जाएगा, बाहर आके गिर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए दारू पीते हैं तो हम लोग गिरने पड़ने लगता है, लोग बोलना के कुछ हो बोलता है कुछ हो। ठीक है, यही था हमारे दिमाग के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।